दोस्तों अगर आपके पास भी हीरो एच एफ डिलक्स VS6 बाइक है और जब आप इसको चलाते हैं तो आपको उसको चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, या फिर एक्सेलेटर देते हैं तो वो पूरी तरह से एक्सेलेटर नहीं पकड़ पाती, या वो मिसिंग करती है, या वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, तो ऐसे कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक के अंदर लगी थ्रोटल बॉडी और जो इसका ये इश्यू होता है इससे कुछ परेशान हो चुके हैं, तो आज आपको मैं इसके अंदर कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास VS6 बाइक है, इसके यहाँ पर ये जो इसमें सिस्टम लगा है, इंजेक्टर वगैरह लगा है, यहाँ पर जो कार्बोरेटर होता है ये इसके मुकाबले बहुत कम आगे पेट्रोल की सप्लाई करता है, क्योंकि इसको जो है आगे एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई आगे देनी होती है, ठीक है। और जिससे यहाँ पर होता क्या है, बाइक सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, ना ही सर्दी में प्रॉब्लम करेगी, ना ही गर्मी में करेगी, और यहाँ पर इसकी माइलेज भी ज़्यादा होगी। लेकिन इन सब का क्या, जब अगर आपको उसमें चलाने में नज़ारा ही ना आए, तो ऐसे में देखिए दोस्तों, जो इसकी पिकअप होती है वो काफ़ी कुछ कम होती है कार्बोरेटर के मुकाबले, जो एक कार्बोरेटर वाली बाइक होती है उसके मुकाबले इसकी पिकअप काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो इसके अंदर सिस्टम दिया गया है ये तो आने वाली टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर बहुत कुछ बदलाव भी करना था। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसके अंदर जो यहाँ पर ये इंजेक्टर सिस्टम लगा है, थ्रोटल बॉडी लगी है, इश्यू लगा है, इसको हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसके अंदर कार्बोरेटर लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर आपको इसके अंदर क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा, तो इन सब की जानकारी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो हमारे पास इसका इश्यू है, ये इसका इश्यू जो है यहाँ पर इस तरीके से लगा होता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो है ऐसे लगा होता है और ये इसका ये कपलर है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसकी सप्लाई देनी है, कैसे इसमें कार्बोरेटर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये जो इसका हीरो HF डिलक्स जो हमारे पास BS4 या BS3 बाइक होती है, ये उसका कार्बोरेटर है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके इंजेक्टर वाले पाइप को यहाँ से रिमूव कर लेना है, और इसके कपलर को भी यहाँ से हटा लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर जो 2 8 mm के बोल्ट लगे हैं इनको यहाँ से जो है ओपन कर लेना है। तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद ये जो है यहाँ से ईजिली निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये निकल गया है और इसके अंदर से कुछ पेट्रोल भी आएगा। तो ये हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, और ये जो इसका कपलर होता है इसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमने इसको अलग कर दिया। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसका मैनिफोल्ड है, ये यहाँ से आपने रिमूव कर लेना है। तो हमने इसको यहाँ से रिमूव कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला है, ये वाला आपने इसमें ऐसे लगा देना है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसमें थोड़ा कुछ बदलाव करना पड़ेगा अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ कट लगाकर इसके होल को बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये हमने इसमें कार्बोरेटर यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा जो इसका पीछे का होस पाइप होता है, ये हमने इसको आगे यहाँ से खिसका लिया। आप यहाँ पर थोड़ा लंबे वाला भी लगा सकते हैं जो पुराने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है, जो इसका ये पिस्टन होता है, ठीक है, यहाँ पर स्लाइड, तो इसको आपने किस तरीके से यहाँ पर लगाना है, देखिए, जो इसके अंदर यहाँ पर ये जो इसकी एक्सेलेटर होती है यहाँ पर, ठीक है, एक्सेलेटर की यहाँ पर ये तार है, ये हमने इसमें दूसरी लगानी है जो ये पुराने मॉडल में होती है, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है, यहाँ पर ये इसमें दूसरी है, तो इसको हमने यहाँ से निकाल देना है। तो आपने इसको यहाँ से पहले ओपन कर लेना है, और इसके अंदर दूसरे वाली तार को आपने यहाँ पर लगा देना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारी वारंटी वगैरह वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ये कंप्लीट वायर ही चेंज कर देनी है। तो अब इसके बाद गाइस, जो इसका इश्यू होता है, यहाँ पर हम इसको इसमें लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लगा लिया, आप इसको बाद में किसी चीज़ से कवर कर देना, ठीक है, ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। और
अब ये जो हमारा इश्यू होता है ये बिल्कुल आपने सीधा रखना है, बिल्कुल इसको सीधी पोजीशन में ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको किसी तरीके से यहाँ पर रोक लेता हूँ, क्योंकि जो इसका इश्यू होगा यही इसका एक ऐसा समझ लो कि ये इसका CDI है, CDI बेस पर ये स्टार्ट हो गई, जो इसका करंट आएगा वो इसके बेस पर ही आगे आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इसमें दिया गया है। तो अब इसको हम चलो किसी तार के द्वारा रोक लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर जो इसका ये फ्यूल पंप होता है इसके कपलर को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर लगा देंगे तो जो इसका ये यहाँ पर पाइप लगा है इसके द्वारा इससे जो है पेट्रोल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है, और इसके बाद जो हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से इसकी मोटर रन नहीं करेगी, और यहाँ पर जो चेक इंजन लाइट होगी ये बस ऐसे ही ऑन रहेगी, इससे आपने कुछ लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही रहने देनी है। अब तो गाइस यहाँ पर आपने इसमें एक बदलाव करना है, यहाँ पर जो इसकी फ्यूल टैंक होती है यहाँ पर आपने इसमें पेट्रोल टी वेल्डिंग करा लेनी है। अगर आप इसमें पेट्रोल टी वेल्डिंग नहीं कराना चाहते तो आप इसमें जो है BS4 वाली ओल्ड पेट्रोल टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप इसमें ओल्ड वाली पेट्रोल टैंक इसमें लगा लें, जिससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर जो पेट्रोल टैंक है इसमें यहाँ पर जो लग जाएगी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये दोस्तों पूरा ही काम करेगी। तो यहाँ पर इसके अंदर आप इस तरीके से पेट्रोल टी लगवा सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर ये इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस हमने यहाँ पर जो है इसके अंदर कार्बोरेटर की फिटिंग कर दी है, और यहाँ पर तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम जो है इसको स्टार्ट देखते हैं करके। अरे वाह, रुक जाओ। अरे देखिए दोस्तों पहले ही किक में ये एकदम स्टार्ट हो गई, और इसकी देखिए जो RPM है वो बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पर। और इसके अंदर एक्सेलेटर दो भाई, देखिए भाई कोई मिसिंग तो नहीं करती है। फुल एक्सेलेटर देना, फुल एक्सेलेटर दो, एक मिनट पेट्रोल ऑन कर, यहाँ से पेट्रोल एक्सेलेटर दो, रुक जाओ। देखिए अब एक्सेलेटर देने पर यहाँ पर कोई किसी तरह की मिसिंग नहीं, और एकदम से एक्सेलेटर पकड़ती है। देखिए है ना, मैं इसको यहाँ से उतार लेता हूँ, कभी ये गिर जाए, हम इसकी ट्राई मारेंगे। तो यहाँ पर ये हमने इसके अंदर कार्बोरेटर लगा दिया है, अब हम इसको चला के देखते हैं भाई कैसी इसकी चलाई है कैसी नहीं। तो हम देखते हैं कैसी इसकी चलाई है कैसी नहीं, क्या मिसिंग करेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, या इसकी पिकअप में फ़र्क पड़ेगा, या इसकी पिकअप पहले से ज़्यादा और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए हम इसको लेकर चलते हैं। तो गाइस हमारी जो रीडिंग है वो है 17,708.5। तो चलिए हम चला के देखते हैं। चलो भाई खींचो बाइक को, अरे वाह गाइस, भाई साहब पिकअप इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि जब बस इधर इधर ले लो, छाव में ले लो, इधर हो गई बस यही कर लो, वाह सर स्टैंड पर लगा लो। तो गाइस इसकी क्या भी ज़बरदस्त पिकअप बनी है भाई, आपने इसकी स्पीड देखी भाई साहब, क्या भी लाजवाब पिकअप बनी है। ऐसा तो जो इंजेक्टर लगा है उसके अंदर भी इतना नज़ारा नहीं आता चलाने का जितना कि एक कार्बोरेटर वाली बाइक में आता है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इसकी फुल टेस्टिंग की है और ये इसके अंदर कार्बोरेटर लगाकर आपको बिल्कुल सही तरीके से इसकी टेस्टिंग करा दी है। ठीक है, आपने यहाँ पर कार्बोरेटर अपनी बाइक में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, या अगर आपको इसमें ऐसे ही मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ पर देखिए बाइक के अंदर, तो गाइस बाइक में तो वाकई में मज़ा आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप बाइक के अंदर कार्बोरेटर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बाइक की स्टार्टिंग भी सही रहेगी, धूप में चाहे सारा दिन खड़ी रहे तब भी आपकी बाइक जो है स्टार्टिंग में कोई किसी तरह की मिसिंग नहीं करेगी, ना ही ये स्टार्टिंग से लेकर कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें जो है कार्बोरेटर सिस्टम लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप इस तरीके से इसके अंदर ये कार्बोरेटर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।